स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, जो सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के। उसमें आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये सेशन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट इंडियन बैंकिंग सिस्टम का अपलोड किया है, कंप्लीट थ्योरी सेशन, एमसीक्यू भी अपलोड किया है, पार्ट वन पार्ट टू भी आपको जल्द ही अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो और भी वीडियो आपके लिए ऐसे हेल्पफुल हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात ये है, जितने भी आपके इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जितने, जैसे आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, बार बार मैं बोल रही हूँ, जितने भी आपके फुल फॉर्म होगा, जितने भी बैंकिंग सिस्टम के फुल फॉर्म होगा प्लस किस ईयर वाला, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर पढ़ लें, किस ईयर कौन सा बैंक एस्टेब्लिश्ड हुआ, कौन सा मर्ज हुआ, कौन सा बैंक का फुल फॉर्म है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969, 1956, 1949 की 1935। देखिए, दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक नेशनलाइज्ड और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें काफ़ी बच्चे, तो नेशनलाइजेशन यहाँ पर पूछा, याद रखिएगा 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरा बैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कैनरा बैंक एक किस चीज़ का एग्जाम्पल है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, नन ऑफ दीज। तो इसमें से अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पब्लिक बैंक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एनबीएफसी स्टैंड फॉर, एनबीएफसी स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, न्यू बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, न्यू बिजनेस फाइनेंशियल एंड क्रेडिट की नेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ऑब्वियसली सी बात, यहाँ पर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, न्यू बैंकिंग फाइनेंस कंपनी तो ऐसा कुछ होता नहीं है, न्यू बिजनेस फाइनेंस एंड क्रेडिट ये भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन ए और डी, इसी में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, तो आंसर हो जाएगा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी फुल फॉर्म याद रखिए, आरआरबी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, रीजनल रूरल बैंक्स, नबार्ड, स्पॉन्सर्स बैंक, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नबार्ड ऑप्शन नंबर ए, नबार्ड का भी पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो कि एक रूरल बैंक है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट के लिए। पाँचवा क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 की, बोथ हैं बी की, नन ऑफ दीज। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो होता है क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किस एक्ट के तहत, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात करें और बैंकिंग लॉ जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की बात यही थी 1961। याद रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया कब, ईयर पूछ सकता है 1949, याद रखिएगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया, 1965। तो ये भी दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द एपेक्स बॉडी रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, आरबीआई, नबार्ड, स्पॉन्सर बैंक, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऐसा अपेक्स बॉडी है जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ इंडिया को संचालित करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है सेवेंथ है, इन विच ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मतलब उससे टॉपिक है, कौन सा बैंक मर्ज हुआ, एम्पायरियल बैंक वहाँ से, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो किस ईयर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पास्ट किया गया, 1934, 1945, 1955 की 1957। तो 1945 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक्ट को क्या किया, यहाँ पर पास्ट किया गया। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के इलाहाबाद बैंक। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन नंबर ए। द हेड क्वार्टर ऑफ एसबीआई कहाँ पर सिचुएटेड है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसमें काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, कोलकाता पे टिक करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा, मुंबई इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एसबीआई। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई, तीन थे एसोसिएट बैंक, तो कौन कौन से हैं, यहाँ पर सबसे पहला पूछा है स्टेट बैंक ऑफ त्रिपुरा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी, स्टेट बैंक ऑफ क्या हो जाएगा आपका, पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट
नंबर ऑफ बैंक नेशनलाइज इन द ईयर 1969 में, 1969 में अगर हम बात करें तो कितने बैंकों को नेशनलाइज किया था, 15, 14, 10 की 8, तो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। तो नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज कितने गए थे 1969 में, 14 बैंकों को नेशनलाइज किए गए थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी हो जाएगा, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। अब वो 14 बैंक जो कि किसके द्वारा नेशनलाइज किया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा, ये भी लिखते रहे चलिएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, किसमें, 1969 में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करिएगा कि 6 बैंकों को इसके बाद क्या हुआ था, 6 बैंकों को भी नेशनलाइज किया गया था किस ईयर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ मैं बता देती हूँ। फिर 1980 में 6 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, जिसमें टोटल डिपॉजिट्स यहाँ पर 200 करोड़ से ज़्यादा पाया गया, उन सारे बैंकों को नेशनलाइज किया गया। तो टोटल एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो टोटल 20, ठीक, कैसे 20, 1969 में उन्होंने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया, फिर 1980 में 6 बैंकों को, तो यहाँ पर 14, 6, 20, तो टोटल इंदिरा गांधी के द्वारा 20 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। एग्जाम में सारे तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, तो ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, When did the Banking Regulation Act 1949 becomes applicable to the state of Jammu and Kashmir? 1949, 1966, 1956. तो 1956 में जो Banking Regulation Act 1949 था वो applicable किया गया to the state of Jammu and Kashmir. Next है, The Banking Regulation Act की अगर हम बात करें, इसको initially passes by what name? बैंकिंग फॉर्म्स एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 की, बैंकिंग यूनिट्स एक्ट 1949 की, नन ऑफ दी अबव। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को इनिशियली पास किया गया बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। व्हेन वाज द एसोसिएट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, ठीक, यहाँ पर एसोसिएट बैंक पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कब इसको किया गया, 1955, 1956, 1959, 1964, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी एसोसिएट बैंक थे उसको यहाँ पर पूछा गया है कब नेशनलाइज किया गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए, एसोसिएट बैंक कौन कौन से थे, कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ, अगर हम पटियाला की बात करें, हैदराबाद, मैसूर एंड त्रावणकोर। तो 1955 में अगर हम बात करें, 1955 में इसको एसोसिएट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट है, नाबार्ड किससे एसोसिएटेड है, रूरल डेवलपमेंट से, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, तो रेलवे से तो है ही नहीं, इंडस्ट्रियल से है ही नहीं, रूरल एंड डेवलपमेंट की बात करता तो ऑप्शन नंबर ई। In which the Regional Act was passed, 1976, 1986, 1966, 1988, तो Regional Act को पास किया गया 1976 में। Next है, What is the share of sponsors bank in regional rural banks? 75%, 25%, 15% की 35%, तो option number D 35%। Which of these was the first RRB to set up in India? सबसे पहला जो RRB set up था इंडिया में कौन सा बैंक था, गौर ग्रामीण बैंक, प्रथम बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, हिमाचल ग्रामीण, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। हु रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन नन ऑफ दीस, तो ऑप्शन नंबर सी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना, हाउ मच क्रेडिट स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ टू गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर, 50%, 75%, 40% की 80%, तो कितना परसेंट, तो 50% जो है हम क्रेडिट स्मॉल फाइनेंस की अगर हम बात करें गिव प्रायोरिटी सेक्टर्स। विच इज़ वन ऑफ द एपेक्स बॉडी रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, नबार्ड है, आरबीआई है, स्पॉन्सर बैंक उदयन बी, तो एपेक्स बॉडी जो कि कोऑपरेटिव बैंक को चलाते हैं, तो हम बात करें ऑप्शन नंबर ए और बी।
Where is the current account of all other banks are mentioned? Finance Minister, RBI, State Bank of India की World Bank. तो current account of all other bank को mention किया जाता है, that is RBI. What is the OTP in online banking transaction? क्या मतलब होता है उसका OTP का? तो odd transaction password, on a trading passcode की one time password की one time pin. तो OTP stand for one time जो password आता है वो होता है आपका OTP. ठीक है. Which of the following counts under SLR? SLR क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज़ अ स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो. कैश इन हैंड, गोल्ड ऑन बाय द बैंक, बैलेंस विद आरबीआई की डी, ऑल ऑफ दी, तो सारे के सारे. मॉनेटरी पॉलिसी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम में कवर किया है. What do we call with call the rate at which the Reserve Bank of India lends money to the commercial bank? Repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR. So सारे के फुल फॉर्म याद रखिएगा, CRR stand for cash reserve ratio, SLR for statutory liquidity ratio. ये सारे के सारे आपके मॉनिटरी पॉलिसी हैं, चारों के सारे. तो repo rate होता है rate जो कि RBI करता है, lends money to the commercial bank. ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करिएगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच डायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव की मनी इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ दी अबव. तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर पूछा मॉनेटरी पॉलिसी जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो आरबीआई, सिबिल, सेबी की आईबीआरडी, IRDA, तो ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंक? बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये बिल्कुल है. टू गिव लोन्स, बिल्कुल है. ग्रांट एडवांसेस, लेकिन इनपुट टू फार्मर्स, ये बैंक का काम नहीं है. बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट्स लेना, लोन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें. विच बैंक एंजॉयज मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू? नबार्ड, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, नन ऑफ दिस. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी, नबार्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉमर्शियल बैंक बिल्कुल नहीं होगा. क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स दिख जाएंगे. विच ऑफ दीज बैंक्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक्स ऑन बाई द डिपॉजिटर? ठीक है, अगर मैं थोड़ा आपकी स्पीड अगर मेरे से होगी कि थोड़े में जल्दी पढ़ा रही हूँ, तो आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स, लैंड बैंक्स, नन ऑफ दी, तो ऑप्शन नंबर ए. IDBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, 1954, 1992 की 1964, तो ऑप्शन नंबर डी. Which of the following is not an organized sector in India? Nationalized bank, regional rural banks, cooperative bank. तो chits and money lenders ही क्या है, एक तरह का ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है. Which of the following coin is not issued by RBI? 1, 2, 5 की 10. तो एक रुपये का कॉइन जो है RBI के द्वारा नहीं इशू किया जाता है. The rupee note contains the signature of. उसमें किसका सिग्नेचर रहता है? फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन, गवर्नर की, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर. एक से नेक्स्ट है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो जनरली अलाउ किया जाता है, ज़ीरो बैलेंस पे जो भी अकाउंट ओपन होते हैं वो सैलरी क्लास के लिए ओपन किए जाते हैं, बिजनेसमैन, फॉरेन कस्टमर की, डी, चिल्ड्रन, तो दैट इज़ फॉर चिल्ड्रन. नेक्स्ट है, करंट डिपॉजिट को किस और नाम से जानते हैं? सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट के रिकरेंट डिपॉजिट, तो करंट डिपॉजिट को दूसरे नाम से जानते हैं, डिमांड डिपॉजिट. नेक्स्ट है, डैश एक ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि ग्रांटेड की जाती है कमर्शियल बैंक को टू करंट अकाउंट होल्डर्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटेड और बिल ऑफ एक्सचेंज की डिमांड. तो कौन सी ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि ग्रांटेड की जाती है कमर्शियल बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर्स? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये. ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डैश बिगेंस विद अ लेंडिंग मनी आउट ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट. मतलब जितना हमने डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा ही अगर हम निकाल लें तो ऐसे में इंटरेस्ट चार्ज करती है कस्टमर के द्वारा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? कौन सा प्रोसेस है? क्रेडिट क्रिएशन, कैश क्रेडिट, डेबिट क्रिएशन की ओवरड्राफ्ट, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. CRR स्टैंड फॉर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं बार बार बोल रही हूँ फुल फॉर्म, जितने भी आपके ईयर वाले हैं क्वेश्चन, RBI, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कौन कौन से जो थी, जिन प्रेसिडेंसी बैंक थे, कौन से एसोसिएट कौन थे, कब उसको मर्ज किया गया, उसके डेट, ईयर, ये सारी चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो का फुल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है,